नमस्कार, मैं हूं दिव्या, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 10 अप्रैल दिन बुधवार। खबर क्यों बनने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। बिहार में 35,000 से अधिक स्कूलों में पोषण वाटिका का होगा निर्माण। बिहार को सोलर प्लांट से मिलेगी बिजली। ईद में शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर अब आया नया आदेश। गरीब रथ एक्सप्रेस की आज से बदलेगी सेहत व सूरत। बारिश की संभावनाओं के बीच गर्मी से लोगों को मिल सकती है राहत। गारंटी और वारंटी में जाने अंतर। आईपीएल 2024 में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच होगा मुकाबला। अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक के 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। 12वीं पास उम्मीदवारों के लिए निकली भर्ती। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और संगठनों में 12वीं पास योग्यता वाले पदों पर भर्ती के लिए आयोजित होने वाली संयुक्त उच्चतर माध्यमिक परीक्षा 2024 की अधिसूचना कर्मचारी चयन आयोग यानी कि SSC द्वारा जारी की गई है। इसके तहत इस बार 3,712 पद भरे जाएंगे। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट ssc.gov.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 7 मई 2024 है। परीक्षा शुल्क के रूप में आपको 100 रुपये देने होंगे। वहीं आरक्षित उम्मीदवारों से कोई शुल्क नहीं लिए जाएंगे। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। बिहार में 35,000 से अधिक स्कूलों में पोषण वाटिका का होगा निर्माण। बिहार में 35,547 स्कूलों में पोषण वाटिका का निर्माण किया जाएगा। प्रारंभिक स्कूलों में बच्चों के अच्छे पोषण और स्वास्थ्य में सुधार के लिए ऐसा करने का फैसला लिया गया है। वहीं अगर स्कूल में पोषण वाटिका है तो उसका विस्तार किया जाएगा। इसे लेकर मध्यान्ह भोजन योजना निदेशालय में बैठक की गई है। बैठक में भी इससे संबंधित फैसला लिया गया है। इस दौरान 16 विभागों के पदाधिकारी मौजूद रहे। पोषण वाटिका खोलने के लिए संबंधित स्कूलों को आदेश दिया गया है। मालूम हो कि हाल ही में बिहार को पोषण वाटिका में प्रचार प्रसार के लिए देश भर में पहला स्थान दिया गया था। बिहारी बर्थडे स्पेशल में आज हम बात करेंगे कविता रॉय के बारे में। कविता रॉय पूर्व भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी रह चुकी हैं। इनका जन्म आज के दिन वर्ष 1980 में बिहार के हाजीपुर में हुआ था। ये दाहिने हाथ की बल्लेबाज थी। ये भारतीय टीम के एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच भी खेल चुकी हैं। ये बल्लेबाजी के साथ साथ गेंदबाजी में भी माहिर थी। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में दाखिले को लेकर दिया आदेश। शिक्षा विभाग ने स्कूलों में दाखिले को लेकर एक आदेश दिया है। आदेश ये है कि बच्चे जिस पंचायत में हैं उन्हें उसी पंचायत में दाखिला लेना होगा। इसके बाद बच्चों को थोड़ी परेशानी उठानी पड़ रही है। कई पंचायत ऐसे हैं जिनमें हाई स्कूल तो है लेकिन वे बच्चों के घर से 5 किलोमीटर तक दूर हैं। वहीं ऐसा भी है जो स्कूल बच्चों के घर से पास है वो दूसरे पंचायत में पड़ता है। शिक्षा विभाग के आदेश के अनुसार दूसरे पंचायतों के स्कूलों में नामांकन करने के लिए अपने पंचायत के स्कूलों से स्थानांतरण पत्र लेना होगा। इससे DO को हस्ताक्षर करना होगा। इसके बाद ही दूसरे पंचायतों के स्कूल में दाखिला लिया जाएगा। बिहार को सोलर प्लांट से मिलेगी बिजली। बिहार को रजौली सोलर प्लांट से बिजली मिलेगी। बिहार सरकार की ओर से रजौली डैम में पैदा होने वाली सोलर प्लांट को खरीदा जाएगा। ये बिजली बिहार के थर्मल पावर से काफ़ी किफ़ायती होने वाली है। इसके बाद इसके लिए 25 सालों के लिए समझौता किया जा रहा है। नवादा के रजौली स्थित फुलवरिया डैम में ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। इसमें 10 मेगावाट बिजली का उत्पादन सुनिश्चित किया जाएगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने रेस्को मोड में सोलर प्लांट की स्थापना के साथ ही निर्धारित दर पर बिजली खरीद को लेकर लंबी अवधि के लिए समझौता करने की मंजूरी दी है। गरीबनाथ एक्सप्रेस की आज से बदलेगी सेहत व सूरत। गरीबनाथ एक्सप्रेस की सेहत और सूरत दोनों में बदलाव होने वाला है। इस ट्रेन में LHB कोच लगाए जाएंगे। इसमें अब प्रीमियम ट्रेनों जैसा मजा होगा। दरअसल रेलवे की ओर से ट्रेन में नए कोच लगाने का फैसला लिया गया है। वहीं पुराने कोच को बदलने से ट्रेन की गति में बढ़ावा होगा, साथ ही इनकी सीटों में भी बढ़ोतरी होगी। यात्रियों के लिए अब सफर और आसान होने वाला है। मालूम हो कि आज से ही ट्रेन में ये बदलाव होने जा रहे हैं। पहले चरण में आरा से गुजरने वाली आनंद विहार जयनगर गरीब रथ एक्सप्रेस में बदलाव हो रहा है। वहीं इसका किराया पहले के जैसे ही होगा। कम किराए में सफर का आनंद और अधिक हो जाएगा। 26 गरीब रथ ट्रेनों में लोगों को ये सुविधा मिलेगी।
ईद में शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर अब आया नया आदेश। ईद में शिक्षकों की ट्रेनिंग को लेकर अब नया आदेश जारी हुआ है। ये आदेश SCERT की ओर से आया है। बीते दिन मीडिया में ये खबर चल रही थी कि नीतीश कुमार ने ईद और रामनवमी के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग पर रोक लगा दी है और शिक्षकों को इस दौरान अवकाश मिलेगा। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस खबर को फर्जी बताया है। साथ ही आदेश दिया है कि ईद और रामनवमी के दौरान शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम होगा और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसके बाद अब SCERT की ओर से कहा गया है कि 11 अप्रैल को ईद और 17 अप्रैल को रामनवमी के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं होगी और इन्हें अवकाश मिलेगा। वहीं 10 अप्रैल को अवकाश नहीं देने की बात कही गई है। हालांकि ईद के दौरान शिक्षकों की ट्रेनिंग होगी या नहीं, इस पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। बिहार पैटर्न में आज हम बात करेंगे राजगीर महोत्सव के बारे में। इस महोत्सव को हम राजगीर संस्कृति महोत्सव के नाम से भी जानते हैं। इसका आयोजन नवंबर से दिसंबर महीने के बीच में होता है। ये महोत्सव यहाँ के इतिहास, धर्म, कला और संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है। इसकी प्रसिद्धि न केवल बिहार बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी है। एक त्यौहार के रूप में इस महोत्सव को वर्ष 1986 से ही मनाया जा रहा है। इसका आयोजन हर वर्ष राजगीर कन्वेंशन सेंटर में होता है। इस 3 दिवसीय उत्सव में कई प्रसिद्ध गायक और नर्तकियों की कलाकारी देखने को मिलती है। व्हाट्सएप पर कंपनी के अनचाहे मैसेज को ऐसे करें ब्लॉक। व्हाट्सएप पर कंपनी के अनचाहे मैसेज को ब्लॉक करने के कई तरीके हैं। सरकार की ओर से भी इसके लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। व्हाट्सएप में कुछ सेटिंग को बदलकर प्रमोशनल मैसेज से बचा जा सकता है। इसके लिए पहला सबसे आसान तरीका है कि बिजनेस नंबर को ब्लॉक कर दिया जाए। इसके बाद उस कंपनी की ओर से आपको मैसेज नहीं आएगा। दूसरा तरीका है कि व्हाट्सएप पर आप बिजनेस नंबर को रिपोर्ट कर दें। कंपनी की ओर से आपको ये फीचर दिया जाता है। प्रमोशनल मैसेज रिसीव नहीं करने के लिए इसे स्टाम्प भी किया जा सकता है। इसके साथ ही ऑप्ट आउट के ऑप्शन को भी चुना जा सकता है। कुछ बिजनेस ऑप्ट आउट मार्केटिंग मैसेजेस का ऑप्शन देते हैं। ATM की निगरानी को मजबूत बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करने का आदेश। ATM की निगरानी को मजबूत बनाने के लिए कार्य योजना तैयार करने का आदेश दिया गया है। गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने बिहार राज्य के लिए 38वीं राज्य स्तरीय सुरक्षा समिति की बैठक में ये बातें कही हैं। उन्होंने बैंक, RBI और राज्य सरकार के बीच समन्वय बनाने की जरूरतों पर जोर दिया है। अपर मुख्य सचिव ने राज्य के ATM से जुड़ी सुरक्षा पर जोर देते हुए समन्वय बनाने की बातें कही हैं। साथ ही कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया है। पॉलिटेक्निक के दूसरे साल में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू। पॉलिटेक्निक के दूसरे साल में प्रवेश के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। BCECB ने निजी क्षेत्र के पॉलिटेक्निक संस्थानों में लेटरल एंट्री के अंतर्गत दूसरे फेज में दाखिले के लिए आवेदन की तिथि को जारी किया है। इसके बाद आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। आवेदन की आखिरी तारीख 7 मई है और 9 जून को परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। सामान्य पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, दिव्यांग कोटि के लिए परीक्षा का शुल्क 200 रुपये है। वहीं 12वीं के साइंस में सफल छात्र इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। गारंटी और वारंटी में जाने अंतर। गारंटी और वारंटी के बीच अंतर होता है और उसे जानना भी जरूरी है। कई लोग दुकानों से फ्रिज, AC, स्मार्टफोन आदि खरीदते हैं। इसमें गारंटी और वारंटी दी जाती है। इस पर ग्राहक ध्यान भी देते हैं। वारंटी एक लिखित दस्तावेज होती है। कई उत्पाद को खरीदने के दौरान कंपनी वारंटी देती है। इसमें एक सीमा के अंदर उत्पाद के खराब हो जाने के बाद कंपनी आपको रिपेयर करके देती है। इसमें आपसे शुल्क नहीं लिया जाता। गारंटी में भी कंपनी के द्वारा सामान को रिपेयर करके दिया जाता है। साथ ही गारंटी के समय अवधि के दौरान सामान में दिक्कत आने से उसे बदला भी जा सकता है। बारिश की संभावना के बीच गर्मी से लोगों को मिल सकती है थोड़ी राहत। चिलचिलाती गर्मी के बीच प्रदेश के तापमान में थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिले हैं। बारिश की संभावनाओं के बीच कई जगहों पर छाए आंशिक बादल के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे लोगों को लू वाली हवा से थोड़ी राहत देखने को मिल रही है। प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने वाला है, लेकिन 11, 12, 13 और 14 अप्रैल को प्रदेश में कई जगहों पर बारिश की संभावना जताई गई है। आज का अधिकतम तापमान 36 से 38 डिग्री रहने की बात कही गई है, तो वहीं न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री और 22 से 24 डिग्री रहने की बात कही गई है। आपकी तरफ गर्मी का क्या हाल है, हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। हजारीबाग से पटना आ रही बस की डिक्की से शराब बरामद। बिहार में शराबबंदी है। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है। पुलिस शराब के खिलाफ अभियान चला रही है। इसी कड़ी में हजारीबाग से पटना आ रही बस की डिक्की से शराब बरामद किया गया है। लाखों रुपए की शराब को पुलिस ने बरामद किया है। इस दौरान चालक और खलासी पुलिस की नज़र से भागने में सफल रहे। पुलिस बस के मालिक का पता लगा रही है। पटना के रामकृष्णा नगर से पुलिस ने बरामदगी की है।
पटना के रामकृष्ण नगर से पुलिस ने शराब की बरामदगी की है। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने एक्शन लिया है। पुलिस ये पता लगा रही है कि बस का रजिस्ट्रेशन नंबर किसके नाम पर है। इस मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने पप्पू यादव को लेकर दिया बयान। बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने पप्पू यादव को लेकर बयान दिया है। उन्होंने महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर भी निशाना साधा है। साथ ही कहा है कि लॉटरी लगती है और लॉटरी में किसका नाम निकलता है ये वही बता सकते हैं। पप्पू यादव को संयम और धैर्य रखना चाहिए था। उन्हें नुकसान सहना पड़ेगा, वो अब दलदल में फंस चुके हैं। उनके लिए इस दलदल से निकलना काफी मुश्किल होगा। आपको बता दें कि जदयू के कार्यालय में चुनाव समिति की बैठक हुई। इससे मंत्री श्रवण कुमार सहित महेश्वर हजारी, विजेंद्र यादव, प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा आदि शामिल हुए थे। मीटिंग के बाद ही श्रवण कुमार ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा है। बेरोजगारी के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने सरकार को घेरा। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा है। साथ ही कहा है कि बेरोजगारी, महंगाई, गरीब किसान, बिहार में विकास, निवेश, पलायन, औद्योगिकीकरण तथा बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात नहीं की जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, धर्म और विपक्ष की बात होती है। जनतंत्र के लिए ये रवैया दुखद है। नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा है कि 10 सालों में कितना विकास हुआ इस पर विचार करना चाहिए। गांव, जिला और प्रदेश की बात होनी चाहिए। नवादा सांसद विवेक ठाकुर ने किया जीत का दावा। लोकसभा चुनाव के नजदीक आते ही चुनाव प्रचार का अभियान तेज हो चुका है। इसी कड़ी में नवादा के सांसद और एनडीए के लोकसभा उम्मीदवार विवेक ठाकुर ने जीत का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है और कहा है कि मोदी जी एक बार फिर से आ रहे हैं। इसका मतलब है कि नरेंद्र मोदी फिर से एक बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। विवेक ठाकुर ने गाना भी शेयर किया है। इसमें कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में लोगों के मतदान से एनडीए की जीत होगी और विवेक ठाकुर फिर से सांसद बनेंगे। मुकेश सहनी ने अश्विनी चौबे को महागठबंधन में आने का दिया ऑफर। बक्सर लोकसभा सीट से केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे और बीजेपी सांसद की नाराज होने की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी बीच वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने अश्विनी चौबे को महागठबंधन में आने का ऑफर दिया है। साथ ही कहा है कि महागठबंधन में उनका स्वागत है। हम लोगों को ये उम्मीद नहीं थी कि कदावार नेता अश्विनी चौबे का टिकट कट जाएगा, लेकिन ये कोई घबराहट की बात नहीं है। हम लोग अश्विनी चौबे के साथ हैं और उनका महागठबंधन में उनका स्वागत करते हैं। इधर सारण से राजद की लोकसभा प्रत्याशी और लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने भी अश्विनी चौबे को चुनाव प्रचार में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार को अपनी कमजोरी और शक्ति बताया। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा ने बिहार को अपनी कमजोरी और शक्ति बताया है। पिछले चुनाव में हारा या हराया गया, जो भी हुआ इसके बाद खास कारणों से बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मेरे नाम का ऐलान किया था। बिहारी बाबू ने इसके बाद कहा कि उन्होंने आसनसोल से चुनाव लड़ा और उनकी जीत भी हुई। आसनसोल से पवन सिंह के चुनाव नहीं लड़ने पर शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है कि वो एक अच्छे इंसान हैं, उनका मेरे प्रति आदर होगा या फिर उन पर जोर दिया गया होगा। उन्होंने 24 घंटे के अंदर अपने नाम को वापस ले लिया, मैं इस चीज का सम्मान करता हूं। शत्रुघ्न सिन्हा ने केंद्र सरकार को लेकर कहा है कि सरकार तानाशाही में चल रही है। जदयू चुनाव समिति की बैठक में अलग अलग मुद्दों पर हुई चर्चा। जदयू चुनाव समिति की बैठक में हुई मंत्री विजेंद्र कुमार यादव की अध्यक्षता में बैठक हुई है। इसमें अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की गई है। इसमें कहा गया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में कई तरह के काम किए हैं। सीएम गांव और गरीबों के बीच जाकर इन कामों की चर्चा करेंगे, साथ ही 12 अप्रैल को रोड शो करेंगे। मंत्री विजेंद्र यादव की ओर से ये जानकारी दी गई है कि सीएम ने बिहार में जो काम किया है उसे बड़ा मुद्दा बनाना है। इधर मंत्री रत्नेश सदा ने कहा है कि जदयू के प्रचार अभियान की शुरुआत हो चुकी है, गाँव और गरीबों के बीच हम लोग पहुँचेंगे। आईपीएल 2024 में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटन्स के बीच होगा मुकाबला। आईपीएल 2024 में आज राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला होगा। इसमें दोनों ही टीम जीतने का प्रयास करेगी। राजस्थान रॉयल्स की शुरुआत शानदार थी, इसमें 4 में से 4 मैच में जीत हासिल की थी। वहीं गुजरात टाइटंस अभी तक कोई खास कमाल नहीं दिखा पाई है। गुजरात टाइटंस ने 5 मैचों में से 2 मैच में जीत हासिल किए हैं, वहीं 3 मैच में इस टीम को हार का सामना करना पड़ा है। ये टीम इस बार हार का हैट्रिक लगाने से बचना चाहेगी, साथ ही मुकाबला अपने नाम करना चाहेगी। आरआर और जीटी में किसका पद भारी है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2001 में भारत और ईरान के बीच तेहरान घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया गया था। वर्ष 2000 में पाकिस्तान को निर्गुट संगठन से निकालने का भारत का प्रस्ताव गुटनिरपेक्ष देशों के विदेश मंत्रियों के सम्मेलन में मंजूर हुआ था। आज के दिन वर्ष 1999 में भारत और पाकिस्तान के दो शीर्ष औद्योगिक संघों ने भारत पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स का विधिवत गठन किया था। आज के दिन वर्ष 1917 में महात्मा गांधी ने बिहार में 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की थी। आज के दिन वर्ष 1802 में भारतीय महान त्रिकोणमितीय सर्वेक्षण मद्रास के पास एक आधार रेखा की माप के साथ शुरू हुआ था। आज के दिन वर्ष 1982 में भारत के बहुउद्देशीय उपग्रह इनसैट 1A का सफल प्रक्षेपण हुआ था। आज के वायरल खबर में हम बात करेंगे केंद्र सरकार द्वारा परिवार के सभी सदस्यों को फ्री में मोबाइल देने की योजना के बारे में। ऑनलाइन _ज्ञान37 नाम के एक इंस्टाग्राम पेज की रील में दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार द्वारा परिवार के सभी सदस्यों को फ्री मोबाइल दे रही है, लेकिन आपको बता दें कि इस इंस्टाग्राम पेज पर किया जा रहा है ये दावा पूरी तरह से फर्जी है। केंद्र सरकार द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं लाई जा रही, तो इस तरह के फर्जी खबरों पर विश्वास करने से बचें। साथ ही बिना सत्यापन किए उसे शेयर करने से भी बचें। PIB फैक्ट चेक ने भी इस खबर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट किया है, जहां इसे पूरी तरह से फर्जी बताया गया है। YouTube ने लोकसभा चुनाव को लेकर बनाई नई पॉलिसी। YouTube ने लोकसभा चुनाव को लेकर नई पॉलिसी बनाई है। दरअसल YouTube ने चुनाव आयोग के साथ साझेदारी की है। इसके तहत गलत सूचना को किसी भी हाल में नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। वहीं अगर किसी वीडियो में वोटर्स को गुमराह करने की कोशिश की जाती है या गलत सूचना दी जाती है, तो ऐसे वीडियो को तत्काल प्रभाव से डिलीट कर दिया जाएगा। YouTube की ओर से कहा गया है कि हर संभव प्रयास किया जा रहा है कि यूजर्स को सही और सटीक जानकारी मिले। इसके लिए YouTube ने अपने प्लेटफॉर्म पर बदलाव किया है। चुनाव के लिए खास तौर पर पॉलिसी बनाई गई है और गलत सूचना पर खास ध्यान दिया जाएगा। शेखर सुमन ने बेटे अध्ययन सुमन और कंगना रनौत को लेकर कही बात। बिहार के शेखर सुमन ने अपने बेटे अध्ययन सुमन और कंगना रनौत को लेकर बयान दिया है। मालूम हो कि अध्ययन सुमन जब कंगना रनौत के साथ रिलेशनशिप में थे, तो इस बात की सभी चर्चा करते थे। अध्ययन सुमन अब वेब सीरीज हीरा मंडी में नजर आने वाले हैं। दूसरी ओर कंगना रनौत लोकसभा का चुनाव लड़ने वाली है। अध्ययन सुमन के पिता शेखर सुमन ने कहा है कि ये उन दोनों की लाइफ का एक फेज हुआ करता था। सभी इस बात से अब काफी आगे निकल चुके हैं। हम उन पर कमेंट करने या जज करने वाले कोई भी नहीं होते हैं। शेखर सुमन ने कहा है कि अध्ययन सुमन और कंगना रनौत साथ में काफी खुश थे। बाद में दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कोई मन मुटाव नहीं था। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसका जवाब बताएंगे, जो कि BPSC बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसे नर प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो हमारा पहला सवाल है, हाल ही में कहां तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी है लक्षद्वीप, ऑप्शन सी है मुंबई, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही उत्तर है लक्षद्वीप। हाल ही में किसे दिल्ली में वनों की सुरक्षा से संबंधित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है विवेक राय, ऑप्शन बी है नजमी वजीरी, ऑप्शन सी है उदय प्रकाश, ऑप्शन डी है नम्रिता सेठ। इसका सही उत्तर है नजमी वजीरी। हाल ही में किसे WEF यंग ग्लोबल लीडर्स 2024 में नामित किया गया है? ऑप्शन ए है कमल किशोर, ऑप्शन बी है शाश्वत गोयनका, ऑप्शन सी है गोविंद सिंह, ऑप्शन डी है अमित गोयल। इसका सही उत्तर है शाश्वत गोयनका। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? ऑप्शन ए है बंगाल, ऑप्शन बी है बिहार, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी है गुजरात। इसका सही उत्तर है बिहार। उत्तर बिहार की वो कौन सी नदी है जो बिहार में सबसे पश्चिम में गंगा में मिलती है? ऑप्शन ए है गंडक, ऑप्शन बी है घाघरा, ऑप्शन सी है पुनपुन, ऑप्शन डी है सोन। इसका सही उत्तर है घाघरा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजीव कुमार, संजीव कुमार, रंजीत मिश्रा, मुकेश कुमार रॉय, दीपक कुमार, कृष्णा प्रसाद, राजू यादव, डोमी शर्मा, सादुल्ला पालवी, राम बाबूदास, मोहम्मद साकिर हुसैन, गोनर शर्मा, मिथिलेश कुमार, पंचम वर्मा। इसके साथ ही बढ़ते आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपके मुताबिक पहले की अपेक्षा ट्रेनों में मिल रही सुख सुविधा में कुछ सुधार हुआ है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।